तो जीओटी के पिछले एपिसोड में हमने नीली आंखों वाले कुछ पिशाचों को देखा। इसके साथ साथ अपन को पता चलता है कि हैंड ऑफ द किंग की मौत हो गई और नेड स्टार्क हैंड ऑफ द किंग बनने के लिए राजी हो जाता है। मगर आगे बढ़ने से पहले, हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी नार्को। और दोस्तों, ये है गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 का सेकंड एपिसोड। तो यार, इस एपिसोड की शुरुआत होती है डेनेरिस से, जो कि पेंटोस से दो तराकियों के साथ निकल चुकी है और उसका भाई भी इन लोगों के साथ वहां से चला जाता है। जोरा डेनेरिस के भाई से कहता है कि वो पेंटोस वापस चला जाए क्योंकि वहां उसकी अच्छी खातिरदारी होगी, लेकिन तब वो बंदा उसको जवाब देता है कि उसको आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, उसे तो अपना तख्त यानी थ्रोन वापस चाहिए। और जब तक कार्लडोगो उसको वो वापस नहीं देता, वो दो तराकियों के साथ ही रहेगा। वही विंटरफेल में नेड स्टार्क का लौंडा ब्रेन, जो कि मीनार से गिर गया था, लेकिन इस बंदे की किस्मत अच्छी रहती है, जो कि इतनी ऊंचाई से गिर के भी ये बंदा बच जाता है। पर ये बंदा फिर बिस्तर पकड़ लेता है और बेहोश ही रहता है। वही टीरियन यानी बोना मस्त कुत्तों के साथ अपनी रात गुजार के उठता है, तभी उसका भांजा जॉफरी यानी राजा का सबसे बड़ा बेटा वहाँ जाता है और टीरियन को बताता है कि उसको उसकी माँ सरसी ढूंढ रही है और वो सब आज ही विंटरफेल से निकलने वाले हैं। अब ये जोन के टीरियन अपने भांजे जॉफरी से कहता है कि विंटरफेल छोड़ने से पहले तुम लॉर्ड स्टार्क और लेडी स्टार्क के पास जाके उनसे कहोगे कि ब्रेन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हें बहुत अफसोस है। लेकिन जॉफरी थोड़ा एरोगेंट बनके ये कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। टीरियन उसको एक मस्त झापड़ मारता है और से बोलता है कि तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि यही राजाओं के एटिकेट्स होते हैं। पिटने के बाद जॉफरी वहां से चला जाता है और वहां खड़ा लैनिस्टर्स का वफादार टीरियन से कहता है कि जब जॉफरी राजा बन जाएगा तो वो तेरे को देख लेगा। लेकिन इस बात का टीरियन यानी इस बोने पे कोई भी असर नहीं पड़ता। अब यहां से अपन को एक बात पता चलती है कि टीरियन अपीयरेंस में कैसा भी हो, मगर ये बंदा बिल्कुल फियरलेस है और ये अपने भांजे यानी जॉफरी को अच्छी तरह एटिकेट सिखाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। अब यहां से टीरियन ब्रेन के पास उसको देखने जाता है और यहाँ क्योंकि ब्रेन मरा नहीं है तो सरसी बेचारे की फट रही है। वो यहाँ सब लोगों से बोलती है कि इस बेचारे ब्रेन को इतने दर्द में रखना ठीक नहीं है। और जेमी भी यहाँ थोड़ी टेंशन में आ जाता है। कहीं होश आते ही ब्रेन ने सबको उसके और सरसी के बारे में बता दिया। तो यहाँ से फिर सरसी ब्रेन के पास जाती है जहाँ उसकी माँ कैटलीन बैठी रहती है और यहाँ इन दोनों औरतों की या फिर माओ की थोड़ी बातचीत होती है। वहीं जॉन स्नो बड़ी दीवार पे जाने से पहले अपनी छोटी बहन आर्या के लिए एक तलवार बनवाता है। आर्या अपने रूम में पैकिंग कर रही होती है तब जॉन वहाँ आता है और आर्या को ये गिफ्ट देता है और आर्या को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है क्योंकि आर्या के शौक एक्चुअली लड़कियों जैसे नहीं है। उसे तीर कमान चलाना, तलवार चलाना ये सब पसंद है। आर्या के बाद जॉन ब्रेन को भी गुड बाय बोलने आता है, लेकिन उसके रूम में तो उसकी माँ सौतेली माँ कैटलीन भी रहती है और वो जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो जॉन यहाँ आके बस ये बताता है कि वो अंकल बेंजिन के साथ दीवार का पहरेदार बनने जा रहा है और तभी वहाँ नेट स्टेक आ जाता है और जॉन वहाँ से चला जाता है। कैटलीन एक्चुअली नहीं चाहती कि नेट राजा के साथ किंग्स लैंडिंग जाए, पर नेट राजा को हाँ बोल चुका है तो वो अब कुछ नहीं कर सकता। और फिर सब लोग एक दूसरे को फेयरवेल विश करते हैं। जाते जाते जॉन अपने पापा से पूछता है कि क्या उसकी माँ आज भी जिंदा है और अगर वो जिंदा है तो क्या उसे पता है कि उसका बेटा कहाँ है। तो तब नेट जॉन से कहता है कि जब तुम दोबारा मिलोगे तब हम लोग तुम्हारी माँ के बारे में बात करेंगे। और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को बाय बोल के अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जॉन अपने अंकल बेंजन और टीरियन के साथ बड़ी दीवार की ओर निकल जाता है और नेट स्टार्क राजा के साथ किंग्स लैंडिंग की तरफ। थोड़ा चलने के बाद राजा का काफिला आराम करने के लिए एक जगह रुकता है। यहाँ रॉबर्ट नेट को एक संदेश दिखाता है जो कि उसको रात को आया था। उस संदेश में डेनेरिस की खबर होती है और उसमें लिखा होता है कि उसने एक दोतराकी राजा के साथ शादी कर ली है। इस बात से रॉबर्ट थोड़ा परेशान रहता है। उसको डर रहता है कि डेनेरिस का बेटा दोतराकी फौज के साथ हमला ना कर दे। तो रॉबर्ट नेट को बताता है कि खाल्डोगो की फौज में 1,00,000 आदमी है। तो नेट बोलता है कि चाहे 1,00,000 हो या 10,00,000, दोतराकी से उन लोगों को कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि वो लोग समंदर के दूसरी तरफ हैं। लेकिन यहाँ रॉबर्ट ये बोलता है कि अगर उन लोगों को शिप्स मिल गई तो क्या होगा। लेकिन नेट यहाँ पे इग्नोरेंट बनके ये कहता है कि अगर वो लोग जहाज से आ भी जाएंगे तो उनको वापस समुद्र में फेंक देंगे। वहीं दूसरी ओर जॉन का काफिला भी आराम करने के लिए रुक जाता है। अब उनके साथ कुछ कैदी भी रहते हैं जो कि बलात्कारी हैं। इन बलात्कारियों को चॉइस दी जाती है कि या तो ये दीवार के पहरेदार बन जाएं या फिर नामर्द, और बहुत सारे लोग नामर्द बनना चूज करते हैं। टीरियन यहाँ पे बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहा था। जॉन उनसे पूछता है कि वो इतनी किताबें क्यों पढ़ता है। तो टीरियन उसको बहुत ही आसान सा लॉजिक देखता है कि बौना होने के कारण वो युद्ध तो कर नहीं सकता, तो इसलिए वो हमेशा अपने माइंड को शार्प करने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरी ओर विंटरफेल में
रॉब स्टार्क यानी नेट स्टार्क का सबसे बड़ा बेटा अपने छोटे भाई ब्रेन के कमरे में आता है। अब यार कैटलिन यहाँ पे बहुत टाइम से बैठी हुई है, तो रॉब यहाँ पे अपनी माँ से ही बोलता है कि उनको उनके सबसे छोटे बेटे रेकॉन को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो लड़का अभी सिर्फ 6 साल का है और उसे भी अपनी माँ की जरूरत है। रॉब यहाँ जैसे ही रूम की विंडो खोल के नीचे देखता है तो देखता है कि वहाँ तो आग लगी हुई है, तो वो दौड़ के नीचे जाता है और तभी ब्रेन को मारने वहाँ एक किलर आ जाता है। कैटलिन उस किलर को रोकने की कोशिश करती पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। वो किलर ब्रेन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ब्रेन का वुल्फ आ जाता है और वो उस किलर पे अटैक करके उसको मार देता है। अब यार ब्रेन पे 2 बार अटैक हो चुका है, तो इन हमलों से कैटलिन को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो उस मीनार पे जाती है जहाँ से ब्रेन नीचे गिरा था और वो देखती है कि ऊपर हर तरफ धूल जमी हुई है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया साफ है और उसको वहाँ पे एक ब्लॉन्ड कलर का बाल भी मिलता है जो कि लेनिस्टर्स के बालों से मैच करता है। अब कैटलिन यहाँ पे अपने सारे वफादारों को बुलाती है और उन सबको बताती है कि एक्चुअल में शायद मीनार से ब्रेन गिरा नहीं था बल्कि उसे वहाँ से धक्का दिया गया था, और शायद इसीलिए क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ऑफकोर्स उसने रानी और उसके भाई का लाइव एक्शन देख लिया था। तो तब स्टार्क्स का वफादार रॉड्रिक उनको वो हथियार दिखाता है और वो उनको बताता है कि ये हथियार का ब्लेड वेलेरियन स्टील का बना है और हत्ते पे ड्रैगन बना है, तो ये ब्लेड ओवरऑल बहुत ही अच्छी और कीमती हथियार है। रॉड्रिक यहाँ पे समझ जाता है कि ये उस किलर का नहीं बल्कि जिसने उसे भेजा है उसका है। तब मिस्टर लुविन बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो नेट स्टार्क को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। थोड़े डिस्कशन के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैटलिन खुद जाके नेट को ये बात बताएगी। वहीं डेनेरिस कार्ल ड्रोगो को खुश करने के लिए अपनी दासी से सेक्स ट्यूशन ले रही है ताकि वो कार्ल ड्रोगो को और अच्छे से सेड्यूस कर सके, और रात को कार्ल ड्रोगो के साथ जब वो ये सारी ट्रिक्स को यूज करती है तो ये सारी ट्रिक्स काम भी आ जाती हैं। वहीं राजा का काफिला फिर रात गुजारने के लिए एक जगह रुकता है और वहाँ सांसा और जॉफरी एक वॉक पे जाते हैं। थोड़ी दूर नदी किनारे वो देखते हैं कि आर्या और एक कसाई का बेटा लकड़ी की स्टिक से खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जॉफरी स्टाइल मारने के लिए कसाई के बेटे को मारने लगता है, तभी आर्या जॉफरी को स्टिक से मार देती है और आर्या का वुल्फ भी जॉफरी को काट लेता है। ये सब देख कसाई का बेटा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आर्या जॉफरी की तलवार लेके नदी में फेंक देती है और वो भी अपने वुल्फ के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब यार रानी के बेटे को मारा गया तो लेनिस्टर्स के सिपाही आर्या और उसके वुल्फ को ढूंढने लगते हैं। आर्या अपने वुल्फ को भगा देती है ताकि वो लेनिस्टर के हाथ ना लगे। अब नेट स्टार्क भी अपने सिपाहियों के साथ आर्या को ढूंढने निकल जाता है। तभी नेट के आदमी उसको बताते हैं कि आर्या मिल गई है और उसको लेनिस्टर्स ने ढूंढ लिया है और उसको सीधा राजा के पास ले जाया जा रहा है। अब यहाँ राजा के पास इस बात की पूरी सुनवाई होती है। आर्या कुछ अलग चीज बोल रही थी और राजा का बेटा जॉफरी कुछ अलग ही चीजें बता रहा था, तो सांसा को यहाँ पे अपनी गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सांसा यहाँ पे थोड़ी डर जाती है और सच बताने की जगह जॉफरी को बचाने के लिए वो ये बोल देती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब राजा रॉबर्ट इस मैटर को रफा दफा करने को बोलता है, लेकिन क्योंकि उसके बेटे को आर्या के वुल्फ ने काटा था तो ये लोग बदला तो लेंगे ही, लेकिन क्योंकि आर्या ने अपने वुल्फ को पहले ही भगा दिया था तो ये लोग सांसा के वुल्फ को मरवाने का ऑर्डर देते हैं। अब यार नेट यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था, तो वो बोलता है कि चलो अगर उस वुल्फ को मारना ही है तो ये काम मैं खुद करूंगा। नेट जब सांसा के वुल्फ को मारने जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि द हाउंड करके एक सिपाही है वो कसाई के बेटे की लाश को लेके आ रहा है, और ये देख वो हैरान हो जाता है कि इतनी सी बात पे उन्होंने एक बच्चे की जान ले ली। तो नेट भी फाइनली उस वुल्फ को मार देता है और वो जैसे ही उस वुल्फ को मारता है तभी विंटरफेल में ब्रेन को होश आ जाता है। अभी मैं बोलना चाहूंगा कि इस एपिसोड की एंडिंग बहुत ही गजब पॉइंट पे हुई है। मतलब सोचो ब्रेन को होश आ चुका है और होश में आके वो सब लोगों को बता देगा कि रानी और उसका भाई ऊपर मीनार पे क्या घुचड़पंती दे रही थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और यार कमेंट करना भूलना मत। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।